नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का खेल। आजमगढ़ जिले के बाहुबली नेता पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने फूलपुर पवई विधानसभा सीट से शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। रमाकांत यादव अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और उन्होंने सपा से प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर दिया है। वहीं रमाकांत यादव ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में किसानों की समस्या व विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि फूलपुर से बाहुबली रमाकांत यादव सपा प्रत्याशी हैं। रमाकांत यादव ने कहा कि भाजपा ने यदि विकास किया होता तो आज भाजपा के लोगों को जनता नहीं दौड़ाती। आज भाजपा के विधायक व सांसद लाठी मार खा के भगाए जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार भाजपा का विरोध हो रहा है। इस बार खदेड़ा होगा। बाहुबली रमाकांत यादव पूर्वांचल के बड़े बाहुबली नेता माने जाते हैं। पूर्वांचल के क्षेत्रों में उनका बड़ा प्रभाव माना जाता है। वहीं इस बार बाहुबली रमाकांत यादव फूलपुर पवई से समाजवादी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी हैं। रमाकांत यादव ने आज अपना नामांकन कर दिया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।